बॉलिंग ठीक नहीं है, फिटनेस ठीक नहीं है, बैटिंग फिटनेस, हर चीज को फिटनेस पे डाल देते हैं। मेरे ख्याल में इन बच्चों ने, इन सारे लड़के सारे फिट हैं माशाल्लाह, एक दो लड़कों का घुटनों का मसला होगा या शोल्डर का मसला। शाहिद अफरीदी की मोहम्मद आमिर को वीडियो कॉल, रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने की अपील कर दी। जी हाँ दोस्तों, इंजरी के बाइस वर्ल्ड कप 2023 में नसीम शाह की शिरकत लगभग नामुमकिन ही लग रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस वक्त मोहम्मद आमिर के लाखों करोड़ों फैंस उनकी वापसी के लिए काफी पुर उम्मीद है। और पीसीबी से मुतालबा भी कर दिया कि नसीम शाह की रिप्लेसमेंट के तौर पर मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल में मोहम्मद आमिर का वो यादगार स्पेल भारतीय कभी नहीं भूल सकते। फखर जमान की सेंचुरी अपनी जगह, अगर तो मोहम्मद आमिर भारतीय सुरमाओं के टॉप बल्लेबाजों को आउट न करते तो शायद पाकिस्तान उस वक्त चैंपियन न बन पाता। 2019 वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर को हैरान कुन तौर पर आखिरी लम्हात में स्क्वाड में शामिल किया गया था और पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने सबसे ज्यादा 8 मैचेस में 17 विकेटें भी हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। मोहम्मद आमिर इस वक्त कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं और अगर बात करें उनकी बॉलिंग की तो वो उसी जज्बे, जुनून और स्विंग के साथ इस वक्त बॉलिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं जैसे 2009 और 2010 में दिखाई देते थे। कैरेबियन प्रीमियर लीग में मोहम्मद आमिर इस वक्त 8 मैचेस में 15 विकेटें लेकर टूर्नामेंट के दूसरे लीडिंग विकेट टेकर भी हैं। वर्ल्ड कप में नसीम शाह की जगह आप इनमें से किस बॉलर को देखना चाहते हैं? और अगर आप भी मोहम्मद आमिर के चाहने वाले हैं और वर्ल्ड कप में उन्हें देखना चाहते हैं तो कमेंट में #WeWantBackAmir जरूर लिखिएगा।